कई लोग अपने परिवार को पालने के लिए सारी हदों से खेल जाते हैं। एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी दंग रह जाएंगे। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम है गोपाल कृष्ण, जो कि अपने दिव्यांग माँ बाप और छोटे भाई बहन का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाता है। और हैरानी की बात यह है कि यह बच्चा केवल 8 साल का है। उसका कहना है कि मैं घर में सबसे बड़ा हूं, इसीलिए मुझे ही ये जिम्मेदारी उठानी होगी। गाइस, इसकी मैच्योरिटी देख रहे हो? हमें भी इस लड़के से ये सीखना चाहिए कि बड़ी से बड़ी परेशानी आने के बावजूद भी कैसे आगे बढ़ा जाता है। इस लड़के की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। गाइस, वो कहते हैं ना कि जोड़ियां भगवान के घर ही बनकर आती हैं। एक ऐसी ही जोड़ी है भारत हरियाणा के निरंजन कश्यप और मेक्सिको की दाना नाम की लड़की की। मजे की बात यह है कि इनकी लव स्टोरी की शुरुआत एक ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग ऐप के जरिए हुई थी, जहां एक तरफ निरंजन स्पेनिश सीख रहे थे, वहीं दूसरी ओर दाना इंग्लिश सीख रही थी। फिर क्या था, दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे, और फाइनली अप्रैल 2020 में उनकी शादी हो गई। गाइस, क्या ये सब सुनकर आपके मन में भी लड्डू फूटा, और क्या आप भी लैंग्वेज लर्निंग ऐप पर ट्राई करने जा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। आखिरकार अब जाके कहीं T20 वर्ल्ड कप में वही हो रहा है जो कि हर कोई भारतीय चाह रहा है। इंडिया शुरू के 2 मैच जरूर हार गई, लेकिन उसके बाद के 2 मैच इतने भयंकर तरीके से जीती है कि इंडिया का रन रेट ग्रुप बी की सारी टीमों में सबसे ज्यादा हो गया है। अब हर भारतीय की निगाहें 7 तारीख को न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर टिकी हैं। अगर उस दिन अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो इंडिया का झंडा सेमीफाइनल में बुलंद होना तय है। गाइस, क्या आपको ये लगता है कि ऐसा चमत्कार फिर से एक बार हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर डेविड बेसले ने हाल ही में एक बयान दिया था कि अगर एलोन मस्क अपनी संपत्ति का 2% भी यूएन को दान में दे दें, तो दुनिया भर से भुखमरी को खत्म किया जा सकता है। और फिर क्या था, इस बयान के बाद एलोन मस्क ने भी इस बात का जवाब बड़े बेबाक अंदाज से दिया था। उन्होंने कहा कि अगर यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मुझे यह समझा सके कि वो कैसे दुनिया भर से भुखमरी की समस्या को खत्म करेंगे, तो वो तुरंत टेस्ला कंपनी के $6 अरब के शेयर बेचने को तैयार हैं। गाइस, एलोन मस्क का ये बेबाक अंदाज आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।